हेलो गाइस, वेलकम बैक जैस्मिन ब्लॉग। आई होप यू आर फाइन। यहाँ पर मैं, आप सब भी अच्छे होंगे। तो यहाँ से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7, मैं 6:30 बजे उठी थी, 7 बज रहे हैं अभी, क्योंकि बच्चों के लिए आज सुबह मैंने रात को दूध लेके नहीं रखा था ना, तो दूध आया और बिस्किट आए बच्चों के लिए। तो बस बच्चे ना अभी एक एक करके नहा रहे हैं और मैं किचन में काम कर रही हूँ, बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो जल्दी से बना लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लियाना हमारी उठ चुकी है, बस नाश्ते के लिए वेट कर रही है। आप नाश्ते के लिए वेट कर रही है ना? जिस वक्त जो चीज पड़ी रहे ना, तो उस वक्त उठा लेनी चाहिए। क्या पता खुदा ना खास्ता वो कल मिले ना मिले, ये चीज को याद रखना। ओके बेबी। तो बस अब मैं बच्चों के लिए यहाँ पर है ना, लंच भी बना रही हूँ, साथ में ब्रेकफास्ट भी बना रही हूँ। चाय यहाँ पर रेडी हो चुकी है बस, और मैं चाय अब भर दूंगी, क्योंकि बच्चे सुबह के टाइम पे बिस्किट खाते हैं और पराठा है भी नाश्ता नहीं करते हैं। और ये वाला जो पराठा है ना, टिफिन में पैक कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने साथ में फ्रूट भी पैक किया आज, टिफिन रख लें एक्स्ट्रा लंच रखा, तो मैंने इसलिए किया है। तो बस अब सुल्तान भी रेडी हो चुका है, अब जाने के लिए तैयार हो। अब ये मेरा नाश्ता आ चुका है क्योंकि बच्चे चले जा चुके हैं। तो बस मैंने एक पराठा और एक चाय ली है। मैंने कभी कभी मेरा मूड जम जाता है तो ले लेती हूँ, नहीं तो इसको भी स्किप कर देती हूँ मैं। तो चलते हैं मेरी वार्डरोब की तरफ। और अभी मैं ना यहाँ पर है ना आउटफिट पिक करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बस है ना काम से निमट चुकी हूँ। तो अब मैं नहाने जा रही हूँ, तो बस नहाने के लिए मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल निकालूंगी ताकि है ना मुझे इतनी गर्मी ना लगे। क्योंकि आजकल क्या है, मेरे कपड़े है ना ज़्यादा चुभते हैं, जो मैं वो कपड़े नहीं पहनती हूँ, जो कंफर्टेबल होते हैं ना वही पहनती हूँ मैं घर में। तो बस मैंने यहाँ पर येलो कलर की टी शर्ट पिक कर ली और इस पर लिखा हुआ जो है आप तीन देख लिया होगा, सम विंटेज लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो जल्दी से मैं पिक कर लेती हूँ और पैंट भी निकाल लेती हूँ उसमें, वो भी कंफर्टेबल। तो हमने क्या करा कि फर्स्ट डे हम दशहरा आए थे, बट मैंने ब्लॉग अपलोड ही नहीं किया था किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि मुझे दूसरे अपलोड करने थे। तो बस अब हमें ना इधर के रास्ते से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था जिस दिन रावण जलना था ना, उसी दिन का ये वीडियो है। तो बस मैं ना अंदर जा रहे हैं हम, क्योंकि हमने गाड़ी बाहर ही पार्क कर दिए, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी एंट्री नहीं थी गाड़ी जाने की। तो बस हम ना अंदर की तरफ आ चुके हैं और पहले जैसा बिल्कुल भी मेला नहीं रही है कि पहले इतना ज़्यादा रश हुआ करता था कि ना चलने में भी इंसानों को तकलीफ होती थी। लेकिन बट अब इस इतना सेपरेट कर दिया गया है कि बिल्कुल भी ना आराम से चलो आराम से घूमो ऐसा हो चुका है। तो ये वाला एरिया पीछे की साइड वाला है। तो हम वापस से सेकेंड डे आए थे वापस से दशहरा, क्योंकि हम रात में कम 10:30-11 बजे आए थे। तो मैंने यहाँ पर से सिंगाड़े लिए, क्योंकि मेले आती हूँ ना तो मैं यही ज़रूर खाती हूँ। और अब अंदर की साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये है ना टॉयज़ वाला एरिया है, जहाँ पर है ना बच्चों के टॉयज़ मिलते हैं और स्लीपर मिल रही है और ऐसे हैंडबैग वगैरह सब मिल रहे हैं। यहाँ पर शॉप है पूरी अच्छी तरीके से और पहले से तो बहुत ही अच्छा हो चुका है, और 2 साल में अब जाके लगा है 2022 में, तो और ज़्यादा अच्छा हो चुका है। और एलिफ यहाँ पर है ना झूला झूल रही है, मैं यहाँ से पास में से ना पकौड़ी ले रही हूँ गोभी की। ऑफकोर्स दशहरा जाए और पकौड़ी न खाएँ और गुलाब जामुन न खाएँ, तो मैं यहाँ से पकौड़ी पैक भी करा रही हूँ घर पर ले जाने के लिए और मेरी सास के लिए और मेरी ननद के लिए। तो बस यहाँ से हमने ले ली है और उसके बाद में मैं अब झूले का पूरा बताती हूँ आपको, तो आप इन्जॉय करें। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना अगर पसंद आती है तो वीडियो। Thank you.
तो यहाँ पर मैं ना चिकन की तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है। तो बच्चे और हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही है इतना, तो क्योंकि मेरे बच्चे बहुत कम बोटियाँ खाते हैं और मैं खुद कम खाती हूँ, बट सही है। इसको एक बार और होश कर लूँगी, मैंने 3-4 बार होश कर लिया है। और मैंने यहाँ पर कूटे हुए यहाँ पर लहसुन अदरक और प्याज ले लिए हैं, तो मैंने ये सब कूट लिया है और प्याज को मैंने बारीक बारीक कर लिया है। और यहाँ पर मैंने ना दही भी ऐड करूँगी, बट मैं टमाटर भी ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये लहसुन मैं यहाँ पर कूट रही हूँ, यू कैन सी। तो बस तो मैंने निकाल लिया है, क्योंकि अगर मैं नहीं निकलती नहीं है ना तो मेरा सर हेडेक होने लग जाता, सर भाई होने लग जाता, क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई रहती हूँ। तो दैट्स व्हाई, तो जल्दी से मेरा ये बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब चिकन बनता है ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आप सभी को पता है। तो आई होप आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में जरूर याद रखना, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय।